सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा उम्मीद है, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। आज का पंचांग 13 मार्च 2020, दिन शुक्रवार, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, सुबह 8:50 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र दोपहर 1:59 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:40 से 11:30 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:45 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 13 मार्च 2020, दिन शुक्रवार, आज आप सृजनात्मक महसूस करेंगे और बहुत सारे कामों के लिए खुद को तैयार पाएंगे। हालांकि आपको यह वास्तविक भय रहेगा कि दूसरे क्या सोचेंगे और कहेंगे। आपको यह समझना है कि सही नजरिए से आधा काम तो बिना किए ही हो जाता है। यद्यपि सृजनात्मक और ऊर्जापूर्ण रहने के बावजूद आपका आत्मविश्वास आज साथ नहीं देगा। घर में कोई उत्सव होने की संभावना है, जिसे सभी उत्साहित होकर अपने कामकाज को सफल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आप साहसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, किसी भी कार्य को सफल बनाने की क्षमता आपके अंदर होती है। यदि आप अपने घर परिवार को बेहतर दिशा में रखने का प्रयास करते हैं तो वह सफल हो सकता है। आज के दिन आपके लिए कुछ कामों में परिणाम का इंतजार करने का भी है। आप अपने स्तर पर पर्याप्त प्रयास कर चुके हैं, अब आपको शांति के साथ उन कोशिशों के परिणाम को देखने का समय है। संभव है अपेक्षित समय से थोड़ा ज्यादा वक्त लगे, लेकिन परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेगी। काम अपने समय के अनुसार अपने आप बनेंगे। अपना फोकस बनाए रखें और व्यर्थ की चिंताओं से बचें। कुछ नया सीखने को मिलेगा। सावधानियां, आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा, क्रोध की अधिकता रहेगी, इसीलिए वाड़ी पर संयम रखकर वाद विवाद से बच सकते हैं। कोई ऐसी योजना बनाए जिससे भविष्य में अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रहे। लव लाइफ की बात करें तो आप और आपके साथी के लिए आज जीत की स्थिति बनी हुई है। आपकी कामुक भावना आप पर हावी है, जिसके कारण आप मजबूर हैं। इसी तरह की आग दूसरी तरफ भी विद्यमान है। सचेत रहें और पूछें, आप निराश नहीं लौटेंगे। सिर्फ एक छोटी से कोमल और देखभाल वाले दृष्टिकोण की आवश्यकता है, और वैसे भी आप एक समझदार साथी हैं। करियर की बात करें तो आपका व्यवहार आज याद रखने योग्य होगा। अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग करें। लोगों से मिले एवं उनसे सकारात्मक बातचीत करें। एक सकारात्मक शरीर की भाषा बनाए रखें। यहाँ से एक अच्छा अवसर अंकुरित हो सकता है या एक नई परियोजना शुरू करने के लिए एक अच्छा दिन हो सकता है। अपने संगठन कौशल को याद रखें और अपने आप को व्यवस्थित रखें। सेहत की बात करें तो हो सकता है कि आज आप अपने नियमित एक्सरसाइज करने के मूड में ना हों, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। थोड़ी ज्यादा हर्बल चाय बनाकर पिए, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी। एक बार फिर से अपनी एकाग्रता और फोकस को अपने व्यक्तिगत देखभाल के लिए प्रयोग करने की कोशिश करें। आज का उपाय, आज आप कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाएं।
दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।